क्यों मेहंदी लगा रही है? मैं वो माँ जी आप बताइए ना, मैं इसे मेहंदी क्यों लगा रही थी? कमाल करती है ना बहू, मेहंदी तू लगा रही है वो जब मुझसे पूछती है। अम्मा जी आप ही बताइए ना ये मेहंदी क्यों लगा रही है? मुझे क्या पता, अप्पू से पूछो। अप्पू तू बता। दादी मुझे क्या पता, मम्मी आप ही बताइए ना आप क्यों मेहंदी लगा रही है? अरे भाभी अब इतना सोच क्यों रही है, तो सच है बोल दीजिए इसे। देवर जी हाँ हाँ भाभी सच बोलिए इसे, ये शगुन की मेहंदी है, बड़ों का आशीर्वाद है ये। घर की बड़ी बहू घर की बेटी को मेहंदी लगाती है, ये इस घर की रीत है। अच्छा भाभी अच्छा आपने बोल दिया, मैं यही बोलने वाली थी। अच्छा भाभी आपने शगुन को अब निकाल लिया ना, लाइए बाकी ये मेहंदी मैं निकालता हूँ। क्यों दीदी लगा रही है ना? अरे अच्छा भाभी को खुद भी तो मेहंदी लगवानी है, काम बहुत ज्यादा है वक्त कम है, लाओ हाथ। लेकिन आपको ठीक है तुम्हें मेरे हाथों से मेहंदी नहीं लगानी है ना, मत लगाओ मैं किसी और को बोल देता हूँ, और वैसे भी तुम दुल्हन थोड़ी ना हो, तुम्हें कोई भी मेहंदी लगाए क्या फर्क पड़ता है? सच कहा आपने, आजकल आपको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना मेहंदी लगवानी ही नहीं है। मोहब्बत और मेहंदी जब पूरी होती है तभी रंग लाती है। इन्हें आधे में नहीं छोड़ते, बैठो। लेकिन मैंने कहा बैठो। अब्बल जी आप इच्छा आज रात को संगीत है तुम्हें पता है ना? तो कौन से गाने में तुमने डांस प्लान किया है? मेरा कोई प्लान वैन नहीं है, शादी आपकी है आपका संगीत है तो आप नाचिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। इच्छा मैं तुमसे उम्मीद लगाए बैठा हूं, मेरा मतलब है कि इच्छा तुम जैसे नाचती हो ना वैसा कोई नहीं नाचता, और यकीन मानो जब तुम नाचोगी ना तभी मेरी संगीत की शान बढ़ेगी, तो तुम्हें नाचना ही होगा। अच्छा प्लीज अरे वाह ये मेहंदी कितनी अच्छी निकली है, अरे कम से कम थैंक यू तो बोलो। थैंक यू गुड गर्ल। क्या टाइम पर एंट्री मारी है देवर जी, वरना आज तो पोल ही खुल गई थी। नहीं भाभी अब की बार नहीं, अब की बार वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन देवर जी एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मैं मेहंदी में आपका नाम नहीं लिख पाई। ये बब्बल जी भी ना, अब क्या कर दिया उसने, मेहंदी लगा दी मेरे हाथों में। बस इतनी सी बात, इस पर इतना क्यों भड़क रही हो तुम? इतनी सी बात, ये इतनी सी बात है वाकू,
लगता है बब्बल जी के दिमाग की तरह ना तेरा फन भी काम नहीं कर रहा। शादी किसी और के साथ कर रहे, मेहंदी किसी और के हाथ में रचा रहे। देख देख उनकी कलाकारी, कलाकारी दिखाने को उन्हें इच्छा का हाथ चाहिए, लेकिन जब यही हाथ जिंदगी भर के लिए थामने को कहो तो नहीं, वो उन्हें नहीं करना। मुझे नहीं रखनी है मेहंदी वेहंदी। अब क्या देख लिया तुमने? किसी का नाम लिखा है। अच्छा दिखाओ। अरे ये किसी का नहीं, ये तो तुम्हारा ही नाम है, बिच्छा। बिच्छा? ये कुछ गलत सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गलत लिखा है तो गलत ही सुनाई देगा ना वाकू। पप्पल जी इच्छा लिखने गए होंगे, बिच्छा लिख दिया। देखा तूने वाकू, देखा पप्पल जी को मेरे नाम की स्पेलिंग तक याद नहीं है। कहां से याद होगी, अब तो उनकी जिंदगी में बस चाहत चाहत और चाहत। मैं पहले से ही जानता था ये आदमी पागल है, लेकिन पागलपन इस हद तक होगा ये मुझे नहीं पता था। इच्छा का बिच्छा, वाह वाकु। बिच्छा मतलब? बिच्छा मतलब बबल और इच्छा। देखिए भाभी, अब जब दो लोग एक हो रहे हैं तो नामों का एक होना तो बनता है ना। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सतमम नमः। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सतमम नमः। नमः शूलति फणि धराय नियतः प्रथस्मताम। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सतमम नमः। नमो चूलति फणि धराय नियतः प्रथस्मताम। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। नमः चूलति फणि धराय नियतः प्रथस्मताम। जी शुक्रिया, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है आपने। थैंक यू। ओहो इतना गहरा रंग, जी जान से प्यार करने वाला पति मिलेगा तुझे। अच्छा ये ले, ये सिंदूर है, ये सिंदूर देवर जी अपनी दुल्हन की मांग में भरेंगे। लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? एक छोटा सा काम था तुझसे, इसे लेकर तुझे देवी के मंदिर जाना है, थोड़ा सा सिंदूर भगवान के चरणों में चढ़ाना है और देवर जी की सुखी गृहस्थी के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन ये सब मैं क्यों करूं? मेरा मतलब है आपको उस लड़की को भेजना चाहिए ना जो बब्बल जी के साथ। इसलिए तो तुझे भेज रही हूँ। एक तू ही तो है जो बब्बल जी के दिल के इतने करीब है, हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचती है। और बब्बल जी तो खुद कहते हैं कि मेरे लिए इच्छा से करीबी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने सोचा कि तुझे ही भेज देते हैं। ले। लेकिन इच्छा अपनी मेहंदी तो दिखा, कितनी सुंदर रची है, देख तो चंचल। इसका मतलब आप समझती हैं माँ जी? इसका मतलब ये है कि हमारा बच्ची बच्ची हमारी बच्ची को बहुत प्यार करने वाला पति मिलने वाला है। क्या दादी आप भी कमाल करते हो, मेहंदी के रंग से सीधे पति के प्यार तक पहुंच गई। अरे पहले एक बार इच्छा से तो पूछ लो उसकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला है भी या नहीं। क्यों इच्छा? देखा फिलहाल तो कोई नहीं है, और आगे चलकर जो भी आएगा पता नहीं वो प्यार करने वाला होगा या घुसेल होगा। तो ना प्यार करने वाला हुआ भी तो पता नहीं वो अपने प्यार को अच्छे से जता पाएगा भी या नहीं। बब्बल जी आप कितना सोचते हैं ना मेरे बारे में, मेरे साथ जो होना होगा मैं देख लूंगी। चलो चलो अम्मा जी बहुत काम है, चलो चलो। इच्छा मंदिर से जल्दी वापस आ जाना। हाँ चल ममता। अरे एक मिनट रुको तो सही, जिस मेहंदी की इतनी चर्चा हो रही है उसे एक बार देख तो लो।
बबल जी मेरा हाथ छोड़िए। अरे रुको तो। बबल जी आपको शर्म नहीं आती है? आपकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है और आप खुले आप मेरा हाथ पकड़ कर। दोस्त हो तुम मेरी, हाथ तो क्या पूरी की पूरी इच्छा को गोद में उठा के ले जा सकता हूँ मैं। काश आपको पता होता दोस्ती कहाँ खत्म होती है और प्यार कहाँ शुरू होता है। आपकी चाहत ने भी आपके नाम की मेहंदी लगाई होगी ना, जाकर वो देखिए। कुछ जलने की बूनी आ रही तुम्हें? जलन? और मुझे? मैं उसे बिना देखे और बिना जाने कह सकती हूँ, मैं उससे हर मामले में बेहतर हूँ। लेकिन उसके पास मैं हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? आपकी पसंद सही नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आंखें चुंदिया गई है, संतरे का रस पड़ गया आपकी आंखों में, सबको प्यार दिखाई नहीं देता। नहीं अच्छा, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत जांच परख कर चाहत को हाँ बोला है। सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपने जो मेरे हाथ पर मेरा नाम लिखा है आपको वो देखना है ना। लेकिन सॉरी, आप यहाँ भी मात खा गए। इच्छा की जगह बिच्छा लिखा है आपने, 100 में से 0 अंक। प्यार के मामले में तो आप कच्चे थे ही, पढ़ाई के मामले में भी। गलती तो हुई है मुझसे, लेकिन एक बात कहूँ, तुम पर ये नया वाला नाम ना तो ज्यादा सूट करता है, बिच्छा। बबल जी आपको छेड़खानी करनी है ना तो चाहत के नाम के साथ कीजिए। एक मेरा नाम ही तो मेरा अपना बच्चा है, उससे कोई मस्ती नहीं। चलिए आप मुझे जाने दीजिए, आपकी सुखी गृहस्थी के लिए मुझे प्रार्थना करनी है। अच्छे से प्रार्थना करना इच्छा, सॉरी बिच्छा। जब तुम्हें इस प्रार्थना का फल मिलेगा ना इच्छा, तुम खुद आकर कहोगी बब्बल जी आपको 100 में से 100 अंक देने हैं। हे नागभूमि देव, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसके साथ शादी करने के सपने सजाए थे, आज उसी की सुखी गृहस्थी के लिए प्रार्थना करके आ रही हूँ मैं। कौन हो तुम? रसल नाम है मेरा, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। किस बारे में? विशेलगढ़ की महारानी विश्नैनी के बारे में। लेकिन तुम हो कौन? एक जमाने में नागिस्तान का वासी था, लेकिन दुर्भाग्यवश विशेलगढ़ के नागों के हाथों में पड़ गया, सालों कैदी बना रहा। आज बहुत मुश्किल से छूटा हूँ, जैसे ही मुक्त हुआ मुझे संकट का आभास हुआ और मैं तुरंत आपके पास चला आया। विश्नैनी तपस्या कर रही है। कैसी तपस्या? नागशूल पाने की तपस्या। आज वो तपस्या के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची। अगर विश्नैनी की इस तपस्या को अभी नहीं तोड़ा गया तो वो नागशूल हासिल कर लेगी, और नागशूल हासिल करने का मतलब आप अच्छी तरह जानती हैं। नागशूल दुनिया का सबसे प्रभावशाली शस्त्र है, अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे भाई जल्दी से लड़ी नीचे छोड़, मेहमान आ रहे होंगे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। इच्छा 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 कहाँ रह गई ये छोरी? दादी जी इच्छा अभी तक मंदिर से लौटी नहीं है। ये कह रही है तू? इच्छा को मंदिर गए हुए 1-1.5 घंटे के ऊपर हो गया, और देवी माँ का मंदिर इतनी दूर भी ना है। ये छोरी भी ना टेंशन देने में कोई कसर ना छोड़ती। दादी कैसा लग रहा हूँ मैं? आहा, मारा छोरा तो राजकुमार लग रहा है। भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे।
अम्मा जी मैं काजल का टीका लगा दूं? हाँ हाँ लगा दे, लेकिन एक ही लगाना, वो भी कान के पीछे लगाना। चाचू चाचू वो लोग आ गए। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे कहो, ऐसे बोलो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। मोनिका ओ माय डार्लिंग, खड़ाक आजकल बहुत फिल्में देख रहे है तू, ये गाने की बात ना कर रहा है, ये कोई मेहमान की बात कर रहा है। छोरा कौन आया है? दादी पता चल जाएगा, पहले आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? अरे दादी मैंने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। कीजिए ना आंखें बंद, सरप्राइज है। भैया अपनी आंखें बंद करो, खोलना मत। हाँ हाँ नहीं खोलेंगे। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः, नमः शूलति वणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः, नमः शूलति वणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः, नमः शूलति वणिधराय नियतः प्रथस्मताम्। नमो दैव्य ऐसा नहीं होगा, बुराई के हाथों अच्छाई नहीं मर सकती। तो जाओ रोको उसे, तोड़ दो उसकी तपस्या। नहीं, अब सिर्फ उसकी तपस्या नहीं टूटेगी, अब फैसला होगा। विश्नैनी ने हमेशा नागिस्तान को खत्म करने की चाहत की है, अब उसकी ये चाहत उसी के साथ खत्म होगी। अब या तो वो बचेगी या इच्छा बचेगी। इच्छा, कहाँ हो तुम? तुम जहां कहीं भी हो, महसूस करो अपनी मौत को। अब हमारे हाथों में नागशूल है, दुनिया का वो हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं। अब तुम्हें हमारे हाथों मरने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।